नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाद में। आज हम लोग बात करेंगे गोयल एल्यूमिनियम की। जी हाँ, दो बार ESM की स्टेज टू में जाकर और फाइनली फिर से ESM की स्टेज वन में आ चुका है और यहाँ पर दो लगातार आपको बैक टू बैक अपर सर्किट देखने को मिले हैं, वो भी 5% के। तो अब क्या आगे संभावनाएं बनती हैं, हम लोग लास्ट में चार्ट का एनालिसिस करेंगे और सारा कुछ जो भी है जानने की कोशिश करेंगे, वॉल्यूम एनालिसिस भी करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। आप इसी नाम से एग्जैक्टली सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ मैं कोई टिप वगैरह नहीं देता हूँ, ना ही मैं टिप पर विश्वास रखता हूँ, और आपको भी यही सलाह देता हूँ कि बच के रहिए, नहीं तो आप अपनी कैपिटल को गंवा बैठेंगे और कुछ नहीं होगा। यहाँ पर मैं केवल इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह डालता रहता हूँ और अपने वीडियोस के लिंक वगैरह शेयर करता रहता हूँ, क्योंकि कई बार YouTube नोटिफिकेशन नहीं देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, क्लियर कट ESM की स्टेज वन में आ चुका है और 4.99% का आपको अपर सर्किट देखने को मिला है और हाई लगाता है 9.68 रुपये का। ओपन हुआ था 9.65 रुपये और लो भी लगाया इसने 9.64 रुपये का। तो ऐसा नहीं है कि खुलते ही एकदम प्रॉपर आपको अपर सर्किट देखने को मिला है, यहाँ पर थोड़ा सा मूवमेंट शुरुआत में देखने को जरूर मिला था। यहाँ पर हम लोग अगर मार्केट कैप की बात करें तो 137 करोड़ है। ROCE की बात करेंगे तो 18.1% अच्छा है। ROE की बात करेंगे तो 13.1% बहुत बुरा नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे 70% बढ़िया है, कोई भी प्रमोटर होल्डिंग 1% भी प्लेज नहीं है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। डेट आप देखेंगे तो मात्र 1.42 करोड़ का है, जो कि डेट टू इक्विटी बनाता है 0.08। तो यहाँ तक आपने देखा भी, फिलहाल इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। बुरा क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, वो है ये कि मार्केट कैप 137 करोड़ का है, बहुत छोटा है। और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर कैसे स्कैम्स होते हैं, आपको पता ही है कि कैसे, चाहे अक्षिता हो, चाहे गोयल हो, चाहे सेरा हो, तो किस तरीके से यहाँ पर पंप एंड डंप किया गया है लोगों को ज़बरदस्ती खरीदवा के। और अभी आप आगे डाटा देखेंगे कि कैसे शेयर नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो हैं कैसे कितने हैं, वो अभी हम आगे देखेंगे। क्या बात करें हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू की, जो एक्चुअल वैल्यू है इसकी, वो 1.54 है, उसके आप देख रहे हैं लगभग 9 गुने के आसपास, 8 गुने के आसपास चल रहा है 9.65 रुपये पे। वहीं बुक वैल्यू देखेंगे तो 1.23 है, वहाँ से भी आपको काफ़ी ऊपर देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री का पी आपको 36.5 दिख रहा है, उसके हिसाब से भी आपको ऑलमोस्ट डबल के आसपास दिख रहा है, 60 के आसपास। लो लगाता है 7.19 रुपये का, हाई लगाया इसने 47.60 रुपये का। तो सोचिए जिन्होंने ऊपर ले रखा है, काफ़ी मुझे पता है, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे पास, काफ़ी ऊपर के लोग फिलहाल ऊपर लेके फंसे हुए हैं। अभी प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को घटाया है जून वाले में, आप देख पा रहे हैं 71.03 से 69.97 हो गए फिलहाल। FIIs अगर आप देखेंगे तो उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, 0.47 पे आ गए हैं, 0.01 पे थे जो कि मार्च में, और अभी लेटेस्ट वाला तो नहीं आया है, अगस्त वाला, जुलाई अगस्त वाला फिलहाल इसमें तो अभी यही दिख रहा है। बाकी मैंने और भी कई साइटों पर चेक किया तो फिलहाल यही मामला दिख रहा है अभी तो। और पब्लिक आप देखेंगे तो यहाँ पर 28.97 से 29.56 हो गई है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर देखिए, जो कि मतलब यहाँ तक आप देखेंगे ये वाला पोर्शन, ये वाला मात्र 480 नंबर ऑफ शेयर होल्डर थे, यहाँ पर देखिए आप कितने कमी, 81.58 हो रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्च 23 और जून 23 में आप देखिए यहाँ पर सडन जंप आपको देखने मिल रहा है 15,804, ये नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है। और फिर उसके बाद आप देखेंगे तो 27,306 जो है, वो मतलब कुल मिला के इतने लोग जो हैं इसमें फिलहाल ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये गाइस कल का है, देखिए 27 सितंबर का है, मैंने जब मार्केट क्लोज हो रही थी तब लिया था। तो यहाँ पर ये BSE का है मामला, 41,458 बाइंग ऑर्डर लगे हुए हैं मात्र, और इसने वॉल्यूम कितना जनरेट किया था, लगभग 77,780 का। वहीं हम लोग बात करेंगे NSE की, तो यहाँ पर 1,62,647 का लगा हुआ है बाइंग ऑर्डर, और यहाँ पर वॉल्यूम इसने जनरेट किया है 3,07,000 का, और ये भी 27 तारीख का है। वहीं आज की हम लोग बात करेंगे तो आज लगभग मैंने वही मार्केट क्लोज होते समय लिया है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं BSE पे परचेज ऑर्डर जो है, बाइंग ऑर्डर बढ़े हैं, 1,18,249 लगे हुए हैं बाइंग ऑर्डर, लेकिन वॉल्यूम में आपको यहाँ पर थोड़ी कमी दिख रही है, 1,04,174 नहीं, पिछले वाले से तो बढ़ा ही है, ठीक है, वो BSE में कम था। NSE में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 2,67,000 के लगे हुए हैं बाइंग ऑर्डर, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2,13,458 का इतने वॉल्यूम फिलहाल जनरेट किया है। रिटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पर ईयर टू डेट माइनस, 1 वीक में 8%, 1 मंथ में आप देख पा रहे हैं 12.21% प्लस में, बाकी 3 महीने माइनस है, 6 महीने में 71% के आसपास गिर चुका है। वॉल्यूम की बात करेंगे तो आज फिलहाल 3 लाख का वॉल्यूम इसने जनरेट किया है, यस्टरडे की बात करेंगे तो 2 लाख का वॉल्यूम, 1 वीक का एवरेज 2 लाख, और 1 मंथ का एवरेज आपको 2 लाख देखने को मिल रहा है। तो आज भी लगभग 3 लाख डिलीवरी उठाई गई होगी। बात करते हैं चार्ट की और क्या संभावनाएं बनती हैं उसकी। तो यहाँ पर आप RSI देख पा रहे हैं 63.91, तो अच्छा है, मजबूत आपको देखने को मिल रहा है, और ये वाला हर्डल और एग्जैक्टली आज आपको इसी हर्डल पे है। तो मतलब आप देख पा रहे हैं यहाँ से काफ़ी टाइम बाद लगभग आपको ESM की स्टेज ये टू में आने के बाद, फिर यहाँ पर थोड़ा फिर नीचे, और फिर यहाँ पर आपको उसी लेवल पे आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है जहाँ पर काफ़ी टाइम पहले आपको अगस्त में था फिलहाल, ठीक है। तो अब ये आप देखिए कि अभी जो 9 रुपये का जो 9.68 रुपये पे इसने क्लोथिंग दी है,
इसके बाद जो पहला जो हर्डल निकल के आता है वो निकल के आएगा 50 MA का, वो लगभग होगा 10 रुपये। तो देखिए साइकोलॉजिकल वाला मामला रहेगा ही रहेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर फिलहाल रुक सकता है। अभी आपको चार दिन पाँच दिन आपको हो सकता है अपर सर्किट देखने को मिल जाए। लेकिन आप एक चीज़ विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि ये लगभग जून में आया था ESM की स्टेज 2 में, जहाँ पर इसकी ट्रेडिंग बंद हुई थी। और उस समय जब ESM में डाला गया था तब केवल मंडे मंडे ट्रेड होता था और पीरियोडिक कॉल ऑप्शन चलता था। फिर उसके बाद यहाँ पर केसेस किया मर्करी मेटल ने, शायद किसी ने किया था, मर्करी ईवी कुछ था, ईवी स्टॉक था कोई, फिर वो केसेस किया तो वहाँ से फिर मंडे मंडे ट्रेडिंग हटा के पीरियोडिक कॉल ऑप्शन कर दिया गया था रेगुलर बेसिस पे। लेकिन फिर पीरियोडिक कॉल ऑप्शन में वहाँ पर निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। फिर ESM से स्टेज 2 से ESM की स्टेज 1 में आया, फिर यहाँ पर खरीदारी खरीदारी चालू हुई, फिर उसके बाद ESM की स्टेज 2 में आया, फिर वहाँ पर लोअर सर्किट आपको देखने को मिले, फिर उसके बाद ESM की स्टेज 1 में अब फिर आया है। तो आप ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि क्या ESM की स्टेज 1-2 में फिर से नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है। यहाँ पर आप मान के चलिए अगर 4-5-6 अपर सर्किट 7 अपर सर्किट लगातार लग जाएंगे तो फिर से भैया इसको ESM की स्टेज 2 में डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर भैया नए लोगों से तो मेरी बिल्कुल इसी शेयर के लिए नहीं, जितने भी शेयर्स की जो कंपनीज हैं जिनका मार्केट कैप 500 करोड़ से कम है, आप बिल्कुल भैया सावधान हो जाइए। जब ESM की स्टेज 2 आई थी मैंने से बहुत मतलब ESM आया था, फ्रेमवर्क आया था, ये मैंने कई सारे उसमें वीडियोज़ बना के डाले थे, ठीक है, और उन्हें अच्छे खासे व्यूज़ भी हैं, अच्छे खासे लोगों ने उनको देखा भी है, और अभी तक उस पर कमेंट आते हैं क्योंकि जिसको पता चल रहा उसका शेयर ESM में आ गया तो फिर वो YouTube पे सर्च करता है। और YouTube पे अगर आप सर्च करेंगे तो मेरा ही मैंने ही ESM पे एकदम मतलब जो एक्चुअल NSE और BSE का सर्कुलर है मैंने आप सबको एक्सप्लेन किया है उसको। तो जब वो फ्रेमवर्क आया था मैंने उसी समय आपको अपने टेलीग्राम में भी डाला था कि मेरे पास जितने भी शेयर थे जिनका मार्केट कैप 500 करोड़ से कम था, इवन बल्कि 600 और 700 करोड़ का था, मैं सबसे सबको बेच के निकल गया था उस समय, क्योंकि मुझे उस समय समझ में आ गया था कि यहाँ पर दिक्कत वाली बात है और आगे हमेशा सरदर्द होने ही वाला है। तो फिलहाल मैंने उसी समय खाली कर लिया था जून के आसपास, उसके बाद से मैंने अभी तक किसी भी ऐसे शेयर में एंट्री होल्डिंग नहीं बनाई है इसका मार्केट कैप यहाँ पर 500, 600, 700 करोड़ से इवन कम हो। तो खैर ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी गाइस, अपने आपकी हार्ड एंड मनी है तो आप उसको ऐसे अगर फंसा देंगे किसी भी शेयर में तो फिर आपके लिए दिक्कत वाली बात है, प्लस यहाँ तो स्कैमर्स एक्टिव ही हैं। अच्छा दूसरे आगे बढ़ते हैं, खैर काफ़ी ज्ञान की बातें हो गई, यहाँ आगे बढ़ते हैं। जो अगला हर्डल निकल के आएगा वो लगभग निकल के आएगा इसका 13 से 13.5 रुपये के बीच में, ठीक है। तो आपको ये वाला लेवल अगर टूटता है तो फर्दर आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकता है, लेकिन 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 यहाँ तक पहुँचने में ही देखिए, अगर मान के चलिए कि फिर से ना ESM की स्टेज 2 में आ जाए तो इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। तो चलिए गाइस आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, जल्दी मैं सभी को रिस्पॉन्ड करता हूँ। अभी कुछ दिनों से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा फंसा हुआ था और तो अभी तबीयत भी मेरी थोड़ी नासाज है, तो रिस्पॉन्ड करूँगा मैं सभी को गाइस, डोंट वरी। वीडियो अच्छा लगा गाइस तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा गाइस। और आप जानते हैं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, वीडियोस प्योरली आपकी एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे बगैर कतई नहीं करेंगे। चलिए धन्यवाद।